आपको समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। मैं अरे समझ जोर रहा हूँ, केस, अरे जोर केस, मेरा थीम है उसको मेंशन किया बेकार की बात कर रहे हो आप। मैं अपीलेट कोर्ट के फैसले से पैरा नहीं हूँ, केस से केस नहीं देखता जी। मैं, दावा जवाब दावे से देखता हूँ। आपके जवाब दावे के किस पैरा में आपने लिखा है कि आप किस आधार पर मालिक हैं? कुछ भी बहस कर देते हो, कोर्ट कुछ भी लिख देता है, हम उसको मान लें कि वो सही लिखा है। दोनों अदालत से हार के आए हो ना आप? कौन? नहीं सर, दोनों अदालतें हमारे पक्ष में क्या हैं। किया है आपके इनको पक्ष में? इनको इनको आपके पार्शली क्या पक्ष में किया है? मैं डिक्री मालिक माना है उसका। कौन से पैरा में लिखा है? ये डिग्री देख लें किस सर, आधार पर लिखा है? डिग्री देख लें। अरे आपका विक्रय पत्र रिकॉर्ड पर नहीं है, मालिक कैसे हो जाओगे? दैट इज आपका क्या दावा था? कमीशन कमीशन आपका को दावा था क्या? हमने क्रॉस अपील किया था सर। क्रॉस था आपका, काउंटर क्लेम था क्या? नहीं काउंटर आपको क्लेम, मालिक किस आधार पर काउंटर मान क्लेम नहीं लिया? था, काउंटर क्लेम क्लेम बाद कहाँ लिखा है कि आप मालिक हो? ये देखिए। किस जमीन के मालिक हो, किस आधार पर हो? आपका केस ही नहीं पता आपको? मतलब केसेस फॉर द सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन, मतलब अदर प्लेंटिफ, यस मतलब आई वाज द प्लेंटिफ, दिस इज अ रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब इन ट्रायल कोर्ट देयर वाज अ पार्शियल हमारे बिहाफ में हो गया था और पार्टली डिफेंडेंट के बिहाफ में हुआ था, यू आर प्लेंटिफ सूट वाज फॉर परमानेंट इंजंक्शन एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। क्या किया ट्रायल कोर्ट ने? ट्राई कोर्ट हैड स्टेटेड ट्रायल इफ कोर्ट ने क्या मल किया डिग्री में? यस इफ मलर में सी पैराग्राफ 18 ऑफ ट्रायल कोर्ट अरे रूल, डिग्री क्या दी ट्रायल कोर्ट ने? मलर हैड स्टेटेड दैट डिपेंडेंट जो है वो इलीगली पोजेशन पजेस कर रहे हैं हमारी प्रॉपर्टी में, देयर फॉर दे मे नॉट बी एबल टू उनको पोजेशन खाली करना है ऑन 0.47 डेसिमल, मलर वो तो इनका पा लिया है कोर्ट ने, उस पर तो कर दिया है, बट दे आर सीकिंग दी एक्सेस पोजेशन लॉट व्हिच इज इन एक फेवर, मिनट तो रुकिए, पैरा 21 में डिटेल फाइंडिंग एक है। मिनट तो रुकिए। तो माय गॉड, माय गॉड, बोथ आर द परचेजर, द लैंड ओनर इज समथिंग वन। भाई ट्रायल कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है 361/2 के अंश भाग, 361/2 के अंश भाग 0.47 एकड़ पर आधिपत्य हैं आपका, है ना, जी यस मैम, और ये डिपेंडेंट उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप ना करें, ये ट्रायल कोर्ट की डिग्री है। यस मैम, अब अपील में कौन गया? अपील में अपील दोनों गए। दोनों गए थे मलोट। मेरी अपील थी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग द 30 डेसिमल मोर मलोट, एंड दे आर गोइंग अगेंस्ट दिस ऑर्डर मलोट, तो मेरी डिसमिस हो गई थी और इनकी अलाउ हो गई थी इन अपीलेट कोर्ट। आप कौन है? राधा देवी? यस मलोट, आई एम राधा देवी। आप अपील में इसलिए गए थे कि आपको कब्जा दिलाया जावे। यस माय लॉर्ड, किस जमीन का कब्जा दिलाया जावे? माय लॉर्ड 36 361/2 का माय लॉर्ड, हम लोगों ने माय लॉर्ड नहीं, जो मेन /2 एरिया, फीट एक एकड़ माय लॉर्ड, एकड़। एक आई हैव परचेज 1 एकड़ ऑफ लैंड माय लॉर्ड, आपके पास कहां से आई जमीन? आप कैसे मालिक परचेज किया था माय लॉर्ड से? बाय द सेल सेल डीड डेटेड डेटेड बताइए, सेल डीड एग्जिबिट। एग्जिबिट दैट इज P3 माय लॉर्ड, सेल डेट डेटेड 9/10/1979 P3। खसरा नंबर 36 रकवा 1 एकड़ माय लॉर्ड,
हीरा लाल के द्वारा परचेज की गई थी मिलर। अब आप बता रहे हैं क्या फैक्ट्स बता रहे थे, बताइए कि इसकी क्या है। सर ये अपीलेट कोर्ट की फाइंडिंग पैरा ट्वेंटी ट्वेंटी इसमें ये जो कोर्ट जीरो अरे एक पॉइंट मिनट जरा, फाइंडिंग बनी केस क्या है नहीं दोस्तों, हाँ सर फोर्थ आदि परचेजर मिला किससे परचेज किया ये परचेज किया था ये परचेज हीरा लाल से था परचेज किया था नहीं मैलोन उनकी प्रॉपर्टी हीरा यानी शालिग्राम से नहीं परचेज, शालिग्राम 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 से कामर पे परचेज किया था एक टू एक ही कटिंग ने पॉइंट लिया था। नाइन अरेस्ट ऑफ लैंड एक परचेज बाय अब दोबारा से बोलो आप, क्योंकि आपको अकेले में बोलना अच्छा नहीं लगता, नहीं नहीं सर बोलो दोबारा से बोलो। नहीं ये शालिग्राम से पहले इन्होंने 1 एकड़ इन्होंने खरीदा था हाँ ये से 2.29 एकड़ में से, और रेस्ट ऑफ जो लैंड है वो उसको हमने फिर 79 में खरीदा था, आपने कब खरीदा? हमने 89 में खरीदा था, इन्होंने 79 में खरीदा। और जो सूट फाइल किया सूट में इन्होंने कमीशन रिपोर्ट भी आया दैट इज एग्जिबिट D6, एक मिनट, उसमें कोर्ट ने ये पाया ये पैरा 20 ये फाइंडिंग आप अरे देखेंगे आप अपील बोलना की। शुरू कर दिया तो आप बीच में रुकते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं नियम है क्या? नहीं नहीं रुक नहीं तो आपने क्यों दे फाउंड इन पजेशन आप नहीं रुके? दे फाउंड इन पजेशन इन एक्सटेंट टू 0.47 1989 में आपने कब खरीदा, कौन सी सेल डीड की डेट क्या आपकी? आपने सेल डीड कोई पेश की है? ये 10/7/89 को हमने खरीदा था आपकी सेल डीड का एग्जिबिट क्या है? उसका हमारे जीवित तो उसमें नहीं बता रहा जजमेंट में सर तो आपने सेल डीड पेश नहीं की, अब वो किया कि नहीं आप किया बताइए आप क्या करेंगे, आप रहने दीजिए, अब आपका मलर तो आपकी सेल डीड का ही पता नहीं है। माई कंटेंशन इन शॉर्ट दैट मलर आई हैव परचेज द प्रॉपर्टी 1 एकड़ मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की थी मेरे नाम पे उन्होंने परचेज की थी नाउ आई एम द ओनली विडो लिविंग इन दैट सूट प्रॉपर्टी मलर अभी हम लोगों का जो प्रॉपर्टी का पार्ट है 0.47 में हमने घर बनाया हुआ है बाकी का एरिया हमने खाली छोड़ा हुआ था क्योंकि उसमें सब्जी वगैरह लगा के वी वर सर्वाइविंग मलर तो वो जो खाली एरिया था यारा लावा शाह वाला जो एरिया है वो डिस्प्यूटेड है दैट इज ऑफ 30 डेसिमल मलर उसमें हमने 250 MPLRC 250 अंडर सेक्शन 250 हमने सूट भी फाइल किया था उसमें ये बोला गया था कि दे आर इलीगली इन माय पोजेशन मतलब मेरी प्रॉपर्टी की इलीगल पोजेशन में है तो उनको इनको बोला गया था कि आप अपना पोजेशन हटाइए दैट इज एग्जिबिट पर आपने उसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, और मतलब एग्जिबिटेड है मतलब
नहीं, उसको एग्जीक्यूट करते उसको। यस मैम, एग्जीक्यूट किया था, फिर इन्होंने दोबारा डिमार्केशन करवाया उसी सेम प्रॉपर्टी का, और उन्होंने डिमार्केशन गलत तरीके से कहा, हमारा जो ऑब्जेक्शन था उसको सुना भी नहीं गया, और उन्होंने अलग तरीके से दूसरा डिमार्केशन करके ये बोला कि जो पश्चिम साइड की जो आधी प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट एरिया है एक्चुअली में, उसको हमारा बोल दिया कि वो आपका एरिया, लेकिन अब वो गवर्नमेंट का तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसको लगी, और जो हमारा वाला एरिया था उन्होंने बोला कि ये आपका पार्ट नहीं है, ये आपके उसमें, तो गलत डिमार्केशन हुआ, तो उसको हम लोग आगे मतलब तो उसको ऑब्जेक्शन भी किया, पर हमारा ऑब्जेक्शन तो किसी ने सुना नहीं, उसकी अपील में भी हम गए थे एसडीएम की, तो एसडीएम की अपील उसके बाद भी मतलब हमारे फेवर में नहीं हुआ था, और दो अकेला इंजंक्शन का दावा करके यहाँ क्या होगा? मतलब इंजंक्शन का बस नहीं है इसमें, रिकवरी ऑफ पोजेशन का भी। रिकवरी ऑफ पोजेशन तो तब होगा ना जब क्लियर कट मैटर, अभी आप बता रहे हैं कि इनको इस जगह का नहीं, इस जगह का मालिक बताया गया, या इस जगह के अलावा दूसरी जगह का ऑर्डर कर दिया, तो ये जब तक ये डिक्लेरेशन नहीं होगा कि आपकी जगह कौन सी है, तो आप वो कब्जा कैसे दिलाए? चलो नहीं मैप भी प्रस्तुत है उसमें सब नहीं कुछ, आपका डिक्लेरेशन भी तो नहीं है अभी, आपको पहले मालिकाना घोषित किया जाएगा आपका कि आप मालिक किस चीज के हो। ये एक्चुअली ये पैरा 2021 की जो फाइंडिंग आई अपीलेट कोर्ट की सर, वो ट्रायल कोर्ट में भी है, इसमें यह है कि इनका जो अपीलेट जीरो कोर्ट में पॉइंट क्या फाइव थ्री एकड़ जो इनका जो लैंड है जो ये बता रहे हैं, वो किसी राम शोभित गौतम जी के पक्ष में पाया गया उनके उसमें पैरा अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा विवाद की भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन और कमिश्नर रिपोर्ट मंगाए जाने पर दिनांक 28/7/2011 को नायब तहसीलदार गोपारू द्वारा सीमांकन पर आपको जांच अपना पेश केस तो किए। पता नहीं, आप लेते हो पढ़ना शुरू कर देते। नहीं मैं आप मालिक कितनी जमीन के हो आप? मैंने एक 1.29 हमारा, फिर हमने पूरा खरीद कहाँ लिया। है आपने खरीदा हुआ कागज? कैसे खरीदा आपने? कहाँ लिखा है कोर्ट अब में? उसने उसको कोर्ट ने मार, माना? कोर्ट ने उसको मार तो आपकी, नहीं, आप सुनना पर भी ये पसंद करते हो क्या करते हो? आप लेते हो नीचे देखने लगते हो, बोलने लगते हो, नहीं देखते पर ये पैरा 17 में आप तो नीचे देखना शुरू करते हो और बोलना शुरू सर, करते मैं तो हो। यह निवेदन कर रहा आप हूँ। ये ऊपर देख के बोला करो तो लगेगा कि सामने वाला कुछ जी जी पूछना चाह रहा जी है, बोलना चाह जी रहा जी है। पैरा 17 में तो अभी भी आप फिटिंग है सामने इसमें। देख रहे हो, फिर भी आप पूरा निकाल के ही मानोगे घर अपने अब के अब बाहर। अब मैं आप बताऊँ मतलब जी ऐसे कोई बात कहीं रुकना भी तो चाहिए। नहीं जी बिल्कुल पुरानी, आपका केस हमको क्या है बोलना ही आप नहीं चाहिए एक्चुअली, हमें है? तो बोलना ही नहीं चाहिए था, नहीं जी मैटर बोलना कुछ भी चाहिए, नहीं। लेकिन अभी पता तो यस लगे कि आप किस संदर्भ में बोल रहे हो। जी सर, मैं मना नहीं कर रहा आपसे जी बोलने की, जी जी आपका सेल डीड आपके, आपने किस दे किस किस दे ज, आ, अपने जवाब दावे में कौन से पैरा में सेल डीड को फिलीट किया? चलो ऐसे बताओ, जो अपन घर से रट के आए वो पूरा बोल के ही मानेंगे। ये अपील कोर्ट के जजमेंट आप जजमेंट पैरा वजमेंट की बात मत करिए, पैरा थ्री में आपको समझ में नहीं आ रहा हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। मैं दैट इज समझ योर रहा हूँ सर, केस, दैट इज योर केस, पैरा थ्री में उसको मेंशन किया बेकार की बात कर रहे हो आप। मैं अपील कोर्ट के फैसले से पैरा नहीं हूँ, केस से केस नहीं देखता जी। मैं, दावा जवाब दावे से देखता हूँ। आपके जवाब दावे के किस पैरा में आपने लिखा है कि आप किस आधार पर मालिक है? आप कुछ भी बहस कर देते हो, कोर्ट कुछ भी लिख देता है, हम उसको मान लेंगे वो सही लिखा है। दोनों अदालत से हार के आए हो ना आप? कौन? नहीं नहीं आप सर, दोनों अदालतें हमारे पक्ष में हैं, क्या किया है आपके इनको पक्ष में? इनको इनकी आपके पार्शियली क्या पक्ष में किया है? मैं डिक्ली मालिक माना है उसका, कौन से पैरा में लिखा है? ये डिक्री देख लें किस सर, आधार पर लिखा है? डिक्री देख लें। अरे आपका विक्रय पत्र रिकॉर्ड पर नहीं है, मालिक कैसे हो जाओगे? आपका क्या कमीशन दावा था? कमीशन आपका जो दावा था क्या? हमने क्रॉस अपील किया था सर, क्रॉस था आपका, काउंटर क्लेम था क्या? नहीं आपको मालिक किस काउंटर आधार पर मान क्लेम नहीं लिया? था, काउंटर क्लेम क्लेम बाद कहाँ लिखा है कि आप मालिक हो? ये देखिए किस जमीन के मालिक हो, किस आधार पर हो? आपका केस ही नहीं पता आपको? ये पैरा 2021 एक ने अपीलेट कोर्ट के जजमेंट इसमें दिया है सर, और इनको इनको भी पूरे का जब भाई आपने जी सन 89 में सालिक राम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जी से क्रय किया है, वो विक्रय पत्र कौन सा है? फिर पत्र कोर्ट किस आधार पर लिख रही है कि आप मालिक हो, जब विक्रय पत्र रिकॉर्ड पे ही नहीं है तो? दैट आस्पेक्ट हैज बीन कंसीडर्ड बाय द कोर्ट ना, ये कमीशन रिपोर्ट भी आई, कमीशन रिपोर्ट में भी ये पाया कि इनकी इनकी जो लैंड एक्सेस जो जा रही थी 0.53 वो कोई राम शोभित गौतम जी के उसमें जा रही है, शादी राम जी के पुत्र आप अपने जवाब दावा पढ़ो, अपना जवाब दावा में निकालो कि आपने किस जवाब, अपने जवाब दावा किस पैरा में, मैडम अपना बताइए, कोर्ट ने किस आधार पे आपको, आपका जो अपीलेट कोर्ट ने है। मतलब आप खसरा और अनुसरण हमने लगाया था आ और बा, तो उसमें पूर्व विवेचना में ये पाया गया था कि 0.47 का तो हमारा पाया गया था कब्जा, कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कब्जा रहे। मैडम आपकी प्रॉब्लम क्या है कि एक बार आपका दावा केवल जो है इंजंक्शन का है, एंड फॉर पजेशन विदाउट सीकिंग डिक्लेरेशन क्लेमिंग टाइटल,
पर आपको टाइटल मांगने में कोई तकलीफ जाती है क्या? आप लोग टाइटल ही नहीं मांगते मुकदमा में। जब टाइटल नहीं मांग रहे हो तो फिर सिविल कोर्ट में आते काहे? तो सिविल कोर्ट में आना था तो केवल फिर इंजंक्शन का चलने देते। दावा आपने जब उसको बदल दिया कब्जे में, तो यहाँ हो रहा है सब काम। खसरे ने भी प्रूव दे दैट इज आई एम आप बताइए कि आपने जो है हमने ये डिनाई कर दी सर, इसमें भी स्पेशल स्टेटमेंट है, इसकी प्लीडिंग है फॉर दी रिलीजियस कास्ट टू ब्लैक, इसमें ये लिखा है पैरा 21 टू 1। आज आपको रिलीफ क्या मिलेगी? अब अगला आदमी आपका टाइटल मना कर रहा है, अगला कह रहा है मैं फलानी चीज से मालूम हुआ, फिर भी जो है नहीं मान रहे हो। दोनों अदालत ने आपको जो है कब्जे की डिक्री देने से मना कर दिया, आपका इंजंक्शन का जो है सूट ट्रायल कोर्ट ने डिक्री कर दिया, अपीलेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब आपको आप अपना मालिकाना हक के आधार पर दूसरा दावा लगा लो। इंजेंशन भी इन एक्सटेंड टू 0.47 तक का दिया है, और 0.53 जून का 1 एकड़ से जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो किसी सीमा का डिमार्केशन रिपोर्ट आए उसमें से वो कुछ श्री गौतम के उसमें आया कि उसके कब्जे में है वो एरिया। तो सीमांकन डिमार्केशन ये सबका जो है यहाँ थोड़ी तय होगा, ये तो वहां का ही मैटर है। मैंने सीमांकन डिमार्केशन वहां पे हुआ लेकिन वहां पे हमारी अर्जी नहीं सुनी जा रही अर्जी थी। नहीं सुनी जा रही तो आप यहाँ सुनवाने के लिए आते तो डिक्लेरेशन का दावा तो लगाते। आपको कैसे डिक्लेयर करें कि आप किस जमीन के मालिक हो? चलो, और जब तक डिक्लेरेशन नहीं देंगे आपको, आपको कब्जे में कैसे दिला देंगे? आपको कब्जा कैसे दिला दिया जाएगा? आप मालिक हो या नहीं पहले जिस जमीन के, ये तो तय हो। मतलब बाय सेलरी डेटेड आप मालिक मांगो ना मालिकी भी, झगड़ा ये भी तो आ गया कि लैंड का जो सीमाएं हैं वो बदल रही हैं आपके कहे अनुसार, तो आपने कहाँ मांगा है डिक्लेरेशन? अपीलेट कोर्ट ने ये भी कह दिया होगा कि आप कब्जे में नहीं हो, क्या कहा है? तारीफ क्यों रिलेटेड करते नॉट स्टेटेड दैट आई एम नॉट इन पोजीशन। कहा है? पैरा पैरा 20 21 में है, 21 22 नहीं। अपीलेट कोर्ट फाइंडिंग ही दे आर नॉट तो इन वो ट्रायल कोर्ट ने तो ये पोजीशन। भी बोला नहीं था नहीं दैट आई हाँ एम इन पोजीशन। ठीक, मैं दूँ कोर्ट ने 0.47 में माना है। अच्छा मतलब प्लेन में मतलब पेज नंबर 6 में मैप भी लगा हुआ है जिससे चौहद्दी भी बनी हुई है माइलॉर्ड हमारी। कोर्ट ने फाइंडिंग दी है कि ये जिस जमीन जमीन का आप दावा लेकर आए 45 बाई 300 वर्ग फुट का, ये जो है आपकी जमीन का भाग नहीं है, उनकी जमीन का भाग है। जी अधीनस्थ न्यायालय ने सीमांकन रिपोर्ट भी मंगा ली। देखिए पैरा 30 पड़ी है अपीलेट कोर्ट का, पेज नंबर 42। अधीनस्थ विचाराधीन पेज नंबर 20, वो पैरा नंबर 20, पेज नंबर 42 ट्वेंटी सिक्स पढ़िए। अधीनस्थ विचाराधीन न्यायालय द्वारा विवादित भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन व कमिश्नर रिपोर्ट मंगाए जाने पर दिनांक 28/7/2011 को नायब तहसीलदार गोपारू द्वारा सीमांकन कर जांच रिपोर्ट पेश की गई जिसके अनुसार अनुलग्न आ में दर्शित आबासदा भाग अर्जी खसरा नंबर 361/361 का अंश भाग 0.18 शामिल है जिस पर प्रतिवादी गण का कब्जा है तथा अराजी खसरा नंबर 361/2 के अंश भाग 0.47 में वादी राधा देवी का कब्जा पाया गया है तथा शेष भाग 0.5 राम शोभित के कब्जे में पाया गया जो कि मौके पर रिक्त पड़ी है। इस तरह से उक्त कमिश्नर जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवादी भास्कर प्रसाद शुक्ला की ओर से प्रस्तुत दावे में मौखिक साक्ष्य तथा वादी साक्ष्य के कूट परीक्षण स्पष्ट होता है कि वादी के मकान में दक्षिण दिशा में जो खाली भूमि जिसमें अनुलग्न आ
मैं आबा सादा में आने लगने बाब में जो खाली भूमि के दर्शित करते हुए अपनी अर्जी नंबर 361-2 का भाग होना बताइए। विवादी के उक्त अर्जी का भाग ना होकर प्रतिवादी गण के अर्जी 361-A व 361-3 का भाग है, जिसे प्रतिवादी गण ने वर्ष 1998 में सालीग्राम रजिस्टर विक्रय पत्र द्वारा किया गया है। अतः विवाद ये तो उससे कोर्ट ने माना है ना कि ये जमीन आपने जो 361/2 की बताई है, ये उसका 361/2 का भाग प्रमाणित होना, भाग होना प्रमाणित नहीं होता है। उन्होंने ये भी बोला है कि राधा देवी का कब्जा पाया गया। आज आपका डिक्लेरेशन का दावा नहीं है, आपका डिक्लेरेशन का दावा नहीं करोगे, केवल कब्जा कैसे मिल जाएगा? एंट्रेनलेस यू आर डिक्लेयर्ड ओनर, आपका सूटी मेंटेनेबल नहीं था। मैडम वो निकालना 8-4, आज भी दूसरा दावा लगा सकते हो? अभी जलम है के कुछ पार्ट एरिया में दूसरे ने कब्जा किया है, अब वो हमसे लेना चाहती हूँ। राम सोभित गौतम के उसमें पाया गया डिवांस के सनी को, इज नॉट पार्ट। आप क्या कमजोर हो क्या इनसे जी? आप क्या कमजोर हो? ताकत कम है आप में, कम है। हम लोग बहुत कमजोर है सर। मैडम आई एम अ विडो लेडी, मैडम आई एम अ सिंगल विडो लेडी। आप कमजोर हो इसलिए आपके खिलाफ दावा लगाया, लेकिन आप जो है कागजों में मजबूत हो। और इसी में पैरा 20/21 में भी कोर्ट ने और कंफर्म कर दिया है। मैडम देखिए यदि वादी का लक्षण और समाज ने, अरे एक हाथ वादी ने विचारण के दौरान कर दिया जी सर। जी 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 आपने जब आपके पक्ष की बात चल रही तब तो थोड़ा सा रुक जाओ सर। मैं आप देख लो, आपको ये अपील खारिज करें, दूसरा दावा लगाना हो दूसरा दावा लगाओ। डिक्लेरेशन मैं इसको 8 तारीख के लिए लगा दीजिए। पूछ लो आप अभी, आई सी द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सीनियर मैनेजर। 8 तारीख लगा दो, अभी है ही नहीं यहाँ पे मैनेजर। टेलीफोन से पूछ लो, ऐसे थोड़ी याद थोड़ी रखेंगे 8 तारीख तक। मैनेजर आई मेक द सिनॉप्सिस ये तो 16 वैसे भी 2018 से